पानीपत में एक जैन भाई हैं, वो बता रहे थे कि हर साल वो सेंटर के ग्रस्ती भाई बहनों को इनवाइट करते हैं जो दरग्रस्त में रहकर पवित्र रह रहे हैं, कि साल में एक बार शाही भोजन करते हैं इनका। हमारी बहने भाई जाते हैं वहां भोजन बनाते हैं, उनके वो पांव धोता है, अभिवंदन करता है, सजाता है, श्रृंगार करता है और अपने हाथ से वो शहर का बड़ा सेट उन पवित्र युगलों को पूजता है, अपने हाथ से उन्हें भोजन कराता है। अभी इतनी मान्यता है पवित्र युगलों की, तो भगवान की शान है और भगवान की उस चुनौती को स्वीकार किया है जो आज तक किसी ने, तो अपने लिए तो ताली बजा लो माता भगवान। हम नहीं हो, एक एक ग्रेट है, एक एक महान है। अगर यहां खुद विष्णु खड़ा हो जाए आकर, तो वो बड़ी प्राउड से, बड़े सम्मान से कहता है, तुम ही तो मेरे वंशज हो। अगर मां जगदम्बे साक्षात्कार करा दे तो बड़े सर उठा करके कहे कि तुम ही तो मेरे पुत्र और पुत्री हो। जिन्हें शिव बड़ी शान से कहता है, तुम ही तो मेरी संतान हो। इतनी महान आत्मा। अब आप कैसे ब्राह्मण है बताइए, आपके मुख में ऐसे पवित्र ब्राह्मणों के मुख में बस फर्क इतना है वो पोप से जन्मे हो और आप मुक्त वंशा बने, बस इतना फर्क है। लेकिन ऐसी पवित्र महान आत्माओं के मुख में जब वो भोग जाता है तो क्या होता है, फिर एक ही झटकों में उन महान आत्माओं की जो धुआएं काम करती है वो चमत्कार करती है, तो चमत्कार। फिर इतिहास बनते हैं इस तरह का चमत्कार होता है, ठीक है ना।